हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवल क्लासेस। दोस्तों, ये आज जो मैं टॉपिक बात करने वाला हूँ, ये क्लास 12th NCERT इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर करके उसका ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति। ये टॉपिक है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। इसके संबंध में मात्रक पूछते हैं, बीमा पूछ लेते हैं, इनका सूत्र पूछा जाता है, और इसके संबंध में एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं इससे संबंध में। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला नंबर ये है कि इलेक्ट्रिक पावर है क्या चीज, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं इसको, हम विद्युत शक्ति किसे कहते हैं और इसको जानते हैं कि इसका यूज बेसिकली होता कहाँ पे है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। देखिए, वैद्युत शक्ति को हम पी से डिनोट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर पी फॉर पावर होता है। इसका फॉर्मूला था पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, जहां पे पी है इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है, और ये जो है ना डब्ल्यू फॉर है इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैं इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा हूं, एक मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूं, इलेक्ट्रिक ऊर्जा मीन्स वैद्युत ऊर्जा अपलोड कर दिया हूं। तो आग आप अगर उसको देख के इस वीडियो को देखेंगे ना, तो ज्यादा बेटर आपको इसमें क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो मैं कोशिश यही करूंगा आपसे कि आप उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक उसमें दिया गया है, आप उसमें देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ पे है। उसको देखेंगे तब ही वीडियो देखेंगे ना ये वाला, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, टी फॉर है टाइम या फिर समय कह सकते हैं। तो यहाँ पे पी फॉर वैद्युत शक्ति है, वैद्युत शक्ति, डब्ल्यू फॉर वैद्युत ऊर्जा और टी फॉर टाइम। तो अगर इसके सिंपल वे में परिभाषा दें, तो वैद्युत ऊर्जा में क्षय होने की दर को हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो वैद्युत शक्ति की परिभाषा देना चाहें तो वैद्युत ऊर्जा में क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, या फिर एक निश्चित समय में वैद्युत ऊर्जा में हुई क्षय को वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो आप किसी तरह परिभाषा बनाना चाहे बन सकता है, इजी वे में बना सकते हैं आप। अच्छा, देखिए वैद्युत शक्ति की बात करते हैं, तो वैद्युत शक्ति के संबंध में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला नंबर पे आता है इसका मात्रक और बीमा की बात करते हैं। देखिए, मात्रक की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी फार्मूला होता है। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करते हैं मात्रक क्या होगा इसका, तो मात्रक निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू मतलब होता है कार्य या ऊर्जा, और इसका मात्रक होता है जूल, जूल बटे नीचे क्या है टी, टी फॉर टाइम, और टाइम का मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो अक्सर देखा जाता है कि वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, अगर एग्जाम में या फिर कुछ ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जहां पर अगर वैद्युत शक्ति के संबंध में अगर मात्रक आ गया है, तो कभी कभी जूल बटे सेकेंड देता है, कभी कभी इसको ना दे के ऐसे देता है जूल इंटू सेकेंड इनवर्स दे देता है, कभी कभी इस तरह भी दे देता है, तो जूल इंटू सेकेंड इनवर्स देता है। लेकिन जो इसका ज्यादा प्रचलन में मात्रक है ना, तो ज्यादातर आप ये आएगा ना ये आएगा, ज्यादातर देखा जाता है इसका मात्रक होता है वाट, क्या होता है ज्यादातर वाट होता है, वाट को हम बेसिकली डब्ल्यू से ही इसको भी डिनोट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके मात्रक की, सॉरी बीमा की अगर हम बात करें, तो बीमा क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पे जूल है, तो जूल किसका मात्रक होता है कार और ऊर्जा का, तो आप जानते हैं कार और ऊर्जा की बीमा क्या होती है, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू होती है अपॉन टी फॉर टाइम, टाइम की बीमा होती है कैपिटल टी। अच्छा, इसको आप ऊपर ले चलेंगे ना, तो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, और यहाँ पर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो जाएगा टी के पावर माइनस वन। अगर इन दोनों को हम एड मतलब मिला देंगे तो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस थ्री। तो ये बीमा होती है इलेक्ट्रिक पावर की। अच्छा, देखिए ये तो इसके संबंध में इसकी परिभाषा आ सकती है, आपसे पूछ सकता है और इसकी बीमा पूछ सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इससे बहुत कॉमन से बनते हैं जो अक्सर एग्जामों में आते रहते हैं। तो इसमें वैद्युत शक्ति में पहले मैं बात कर लेना चाहूंगा। देखिए, जो बल्ब होता है आपके घरों में, जो नॉर्मली बल्ब हम लोग यूज करते हैं, जब हम लोग बल्ब खरीदते हैं तो आप देखोगे ये बल्ब में लिखा रहता है, जैसे मान लेता हूँ ये कोई बल्ब है आपके घर का, ठीक है, मैं थोड़ा और अच्छे में घर घर का जो बल्ब होता है उसको अच्छे से बनाना चाहता हूँ मैं, चलो बना देता हूँ, ठीक है ठीक है, ये मान लेता हूँ बल्ब है, ये
एलईडी वाला बल्ब है, ठीक, चलो ये बल्ब बन गया। तो आप देखा करिए बल्ब में लिखा रहता है, इस बल्ब में लिखा रहता है, मान लेता हूं ये बल्ब है 100 वाट का, मान लिया 100 वाट लिखा रहता है। इसमें देखा करिए लिखा रहता है 220 से 240 वी करके मीन वोल्ट लिखा रहता है। इसमें आप देखा करिए लिखा रहता है 0.5 ए करके लिखा रहता है, ठीक। तो कुछ चीजें इसमें नोट की जाती है, तो जैसे पहले नंबर पे 100 वाट, 220 से 240 वोल्ट और 0.5 एम्पीयर। इसका मतलब क्या है कि आप जो 100 वाट है ना, ये बल्ब की शक्ति के बारे में बता रहे हैं, मींस इसकी क्या है 100 वाट, इसकी वैद्युत शक्ति है। इसका मतलब जब बल्ब को हम इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, जब ये बल्ब जलना स्टार्ट होगा तो इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी मींस मैक्सिमम जो पावर है वो 100 वाट से जलने की इसकी क्षमता है। तो जो बल्बों में या फिर इलेक्ट्रिक फैन में, इलेक्ट्रिक कूलर कुछ भी अगर बात करते हैं, वहां पर अगर पावर लिखा है तो पावर का मतलब यह बताता है कि यह मैक्सिमम इतनी पावर से चल सकता है। तो अगर कोई बल्ब है 100 वाट का है तो इसका मतलब बता रहा है कि मैक्सिमम 100 वाट से जल सकता है। और ये 100 वाट क्या है, तो ये 100 वाट इसका इलेक्ट्रिक पावर दिया होता है, मीन्स इसकी वैद्युत शक्ति दी होती है, ठीक है। देखिए इसमें एक संबंध में यहाँ पर 220 से 240, इसका मतलब यह है कि जो ये बल्ब है ये 220 से 240 के बीच में बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर इतना वोल्टेज आप इसको दे देंगे इस बल्ब को तो बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर मान लेता हूं आप 240 से ऊपर जाना शुरू कर दिए तो बल्ब के फ्यूज होने का मैक्सिमम चांस बनता है। यदि मान लेते 220 से कम अगर हम वोल्टेज दे रहे हैं तब भी इसको फ्यूज होने का मैक्सिमम चांस बनता है। यहाँ पर 0.5 एम्पीयर ये बताता है कि जब इसको आप इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ देंगे, जब इसमें धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होगी तो मैक्सिमम इतने इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा जा सकती है। अगर इससे ज्यादा धारा जाने स्टार्ट हो जाएगी तो बल्ब फ्यूज होने का मैक्सिमम चांस बनता है। उसी तरह अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पावर की, तो इलेक्ट्रिक पावर में अगर 100 वाट से ज्यादा पावर बनना शुरू हो जाता है ना, तो बल्ब मैक्स अगर बल्ब इलेक्ट्रिक पावर 100 वाट से ज्यादा बनना शुरू हो गया तो बल्ब का फ्यूज होने का मैक्सिमम चांस बनता है। तो ये बेसिकली ये चीज बताया जाता है कि इतनी रेटिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप ओवर होना चाहते हैं तो ये बल्ब फ्यूज होने का मैक्सिमम चांस बन जाता है। इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगर आप बात करते हैं, अगर आप IERT पॉलिटेक्निक, जैसे आप इंटर क्वालिफाइड होने के बाद आप IERT पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की एग्जाम अगर तैयारी करते हैं तो उसमें जो फिजिक्स कोर्स है ना उससे संबंधित क्वेश्चन एक बनता है। देखिए इसमें आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े, तो अभी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में आगे एक टॉपिक आता है कि संधारित्वों का संयोजन। तो बेसिकली संधारित्व दो प्रकार के संयोजित होते हैं। अभी आप इसके पहले चैप्टर आपने पढ़ा होगा संधारित्र पढ़ा होगा, कैपेसिटेंस पढ़ा होगा। तो कैपेसिटेंस भी दो प्रकार के जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी संयोजन में, एक समांतर संयोजन में। तो अभी आगे एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। तो प्रतिरोध भी बेसिकली दो प्रकार के संयोजित होते हैं, तो एक होता है श्रेणी संयोजन, एक होता है समांतर संयोजन। तो इसमें जानते हो क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दो बल्ब है, जैसे मान लेता हूं मैं बना दिया ये दो बल्ब है, चलो ये दो बल्ब में बना देता हूं, ये पहला बल्ब है, पहला बल्ब है, इसी तरह ये एक और बल्ब है, दूसरा बल्ब है, ठीक है। इसी तरह यहां पे मान लेता हूं एक छोटा सा बल्ब है, छोटा सा बल्ब है, और दूसरा वाला थोड़ा बड़ा सा है, बड़ा का मतलब इतना बड़ा सा है, ठीक है। तो इतना बड़ा मान लेता हूं बल्ब है, यहां पे मान लेता हूं जितना बड़ा ये बल्ब है उतना बड़ा ये है। तो यहां पर मान लेता हूं ये 20 वाट का है और ये मान लेता हूं 100 वाट का है, ठीक। उसी तरह ये भी मान लेता हूं 20 वाट का है और ये भी मान लेता हूं 100 वाट का है। अगर मान लेता हूं इन दोनों बल्बों को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दिया हूं, किस क्रम में जोड़ दिया हूं, श्रेणी क्रम में जोड़ा हूं, और इन दोनों को मैं समांतर क्रम में जोड़ दिया हूं, ठीक। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मान लेता हूं दो बल्ब है, एक 20 वाट का, एक 100 वाट का है, अगर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कौन सा सबसे तेज जलेगा। तो आपको दिमाग में नोट करना है, बस श्रेणी क्रम को याद रखना, पहले नंबर श्रेणी क्रम में यह ध्यान रखना है कि जो कम वाट वाला होता है, जो कम वाट वाला होता है वो ज्यादा तेज जलता है, और जो अधिक वाट वाला होता है वो धीमा जलता है, ये आपको याद रखना है। तो दो बल्ब अगर अलग अलग वाट के दिए हों, एक ज्यादा एक कम दिया हो, अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सबसे ज्यादा तेज कौन जलेगा, तो सबसे ज्यादा तेज जो जिसका वाट कम होगा वो सबसे ज्यादा तेज, और जिसका वाट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम। उसी तरह अगर मान लेते हैं इन दोनों बल्बों को हम समांतर क्रम में जोड़ दें, तो समांतर क्रम में पूछे जाएगी कि सबसे ज्यादा तेज कौन जलेगा। तो समांतर क्रम में आपको ध्यान रखना है
कि जो सबसे ज्यादा वाट का होगा वो सबसे ज्यादा तेज जलेगा, और जो सबसे कम वाट का होगा वो सबसे कम जलेगा। तो ये आपको याद रखना है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है कि श्रेणी में अगर जोड़ देंगे तो कौन तेज जलेगा और समांतर में जोड़ देंगे तो कौन जलेगा। एक क्वेश्चन और बनता है, ये पूछा जाता है कि जो घरों की वायरिंग होती है, वैद्युत शक्ति के संबंध में क्वेश्चन और बनता है कि घरों की जो वायरिंग होती है, जो हम लोग घरों में वायरिंग करवाते हैं, ये किस क्रम में करवाया जाता है, घरों की वायरिंग किस क्रम में होती है। उसी तरह एक क्वेश्चन और बनता है, झालर जो हम लोग शादी विवाह दीपावली के अवसर पे यूज करते हैं, झालर, तो क्वेश्चन ये बनता है कि झालर किस क्रम में जोड़े जाते हैं, झालर किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं किस क्रम में जोड़े जाएंगे। देखिए जो घरों की वायरिंग होती है, जो हमारे घरों की वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में की जाती है। किस क्रम में की जाती है, तो ये समांतर क्रम में की जाती है। और जो झालर होता है ना उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि इंटरव्यू करें IIT पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप इससे अभी से ही सतर्क रहिए। अगर मान लो तो आपको इंटर के बाद IIT पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी करनी है तो इसके संबंध में 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला नंबर आएगा कि अगर दो बल्ब में कम वाट ज्यादा वाट तो श्रेणी क्रम में कौन तेज, तो जो कम वाट का वो ज्यादा तेज, जो अधिक वाट का वो कम। उसी तरह अगर समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो जो कम वाट वाला है वो कम और जो अधिक वाट वाला है वो अधिक। उसी तरह घरों की जो अगर पूछे घरों की वायरिंग किस क्रम में होती है तो समांतर क्रम में, और झालर किस क्रम में तो श्रेणी क्रम में। तो वैद्युत शक्ति के संबंध में आज इतनी बात करते हैं, और इसकी परिभाषा मात्र विमा हमने बता ही रखा है, इसका फार्मूला क्या होता है इसके बारे में बात कर लिए। तो इसके संबंध में बस इतना ही बनेगा, और इसके संबंध में अगर कोई सवाल आएगा तो जैसे मान लेता हूँ अगर वैद्युत ऊर्जा समय दे दिया तो वैद्युत शक्ति पूछ सकता है, वैद्युत शक्ति वैद्युत ऊर्जा दिया तो समय पूछ सकता है, तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज के लिए हम इतने रखेंगे टॉपिक। तो थैंक यू वेरी मच।